के साथ साथ पीलिया का भी कहर बढ़ता जा रहा है। पीलिया अपना कहर जमकर बरपा रहा है। पीलिया पीड़ितों के आंकड़े अब 900 के पार यहां पर हो गए हैं। पीलिया से 3 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया पीलिया के प्रकोप को थमने का दावा यहां पर कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार को कोसते हुए मंत्री ने कहा कि बीते 15 साल में इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीवरेज के पानी को इन्हें केज से हटाकर दूसरी ओर डाइवर्ट करने का काम किया गया है। तालाबों में एसटीपी बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में लोगों को शुद्ध पेयजल मिले वो पहली प्राथमिकता रहेगी। इस मामले में महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि दूषित पानी से पीलिया फैला था, अब स्थिति नियंत्रण में है। पीलिया का प्रकोप जो होता था वो बढ़ा रहता था। इस साल उसने प्रयास किए कुछ कमी हो और आने वाले सालों में पीलिया का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। जो सीवरेज का पानी है पूरे शहर का वो जाके इन्हीं कट में मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही लेकिन उन्होंने इस दिशा में कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यथासंभव हम लोग से काम हो चुका। हमने वहाँ पर तालाब में हमने मतलब पीलिया में हमने काम किया, पाइप उठाने का भी काम, मगर पानी जो दूषित पानी था वो जा चुका था, लोगों के घर पहुंच चुका था। और आपको पता है कि जो पीलिया के जो मरीज मिलते हैं ये 15-20 दिन के बाद इसका इफेक्ट होता है। और अब खबर